यामाहा की जो FZ सीरीज है ना, वो शुरू से काफी ज्यादा पॉपुलर रही है अमंग द बायर्स इन द इंडियन मार्केट। और रिसेंटली कंपनी ने लॉन्च करी थी अपनी FZX, जिसे इंडियन मार्केट के अंदर अब काफी टाइम हो चुका है। और आज मैं जयपुर में हूँ और इस मोटरसाइकिल को टेस्ट राइड कर रहा हूँ। रिसेंटली कंपनी ने इसमें कई सारे अपग्रेड्स करे हैं, तो हम उसकी भी इस वीडियो में बात करेंगे। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस मोटरसाइकिल का ओवरऑल सिटी और हाईवे परफॉर्मेंस कैसा है। तो चलिए हम ये अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं हम इस मोटरसाइकिल के डिजाइन से। पहली चीज मैं ये कहना चाहूंगा, डिजाइन बहुत सब्जेक्टिव है इसका, बट एक चीज है, आपको काफी रगेड और रोबस्ट टाइप का यहाँ पे लुक देखने को मिलेगा। कुछ अगर यहाँ पे मैं डिजाइन एलिमेंट्स की बात कर लूँ, यहाँ पे आपको एक प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलता है, साथ में आपको राउंड LED DRL मिलते हैं, काफी स्टर्डी यहाँ पे आपको मेटल का मडगार्ड मिल जाता है, यहाँ पे आपको ब्लैक्ड आउट रिम्स मिल जाते हैं विच आर शॉड विद डुअल पर्पस टायर्स, और इधर आपको फ्रंट और रियर में डिस्क ब्रेक्स देखने को मिलते हैं। नीचे इसके इंजन बे एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे आपको एक मेटल का काउल देखने को मिल जाता है। टैंक इसका देखेंगे तो काफ़ी बड़ा इसका टैंक है साइज में। इसकी जो कैपेसिटी है वो है 10 लीटर की, 10 लीटर का ये फ्यूल टैंक है। की लगाने के लिए आपको यहाँ टैंक के ऊपर ही जगह मिलती है, जहाँ पे दूसरी बाइक्स में की होती है वहाँ पे आपको एक 12 वोल्ट सॉकेट मिलता है, बट मुझे ये लगता है कि अगर यहाँ पे आपको एक USB पोर्ट देते तो वो ज़्यादा अच्छा होता। इधर आपको एक फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, इसे मैं आपको चालू भी करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको टैकोमीटर, स्पीडोमीटर, फ्यूल गेज वगैरह देखने को मिल जाता है, ओडोमीटर मिल जाता है। यहाँ पे आपको गियर शिफ्ट और गियर पोजीशन इंडिकेटर्स नहीं मिलते, वो अगर यहाँ पे होते तो बहुत अच्छा होता। काफ़ी बेसिक सा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है और इसकी ना क्वालिटी भी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो यहाँ पे थोड़ी कॉस्ट कटिंग देखी जा सकती है, क्योंकि जब आप थोड़े उबड़ खाबड़ रस्तों पर चलते हैं तो इसका डिस्प्ले भी साथ में हिलता रहता है। बात कर लूँ यहाँ पे अगर मैं इसके स्विच गियर की, तो सारे बेसिक स्विचेस मिलते हैं, लाइट के, हाई बीम, लो बीम, पास लाइट, साइड ब्लिंकर्स, सेल्फ स्टार्ट, इग्निशन स्विच। यहाँ पे आपको ब्रेक और जो क्लच मिलता है ये एडजस्टेबल नहीं है, और देखा जाए ना तो इसका जो क्लच लीवर है इसका पोजीशनिंग बहुत आगे हो रखी है, तो इसका क्लच पूरी तरह से यूज़ करने में आपको थोड़ी सी स्ट्रगल हो सकती है। नॉर्मल यहाँ पे आपको साइड ब्लिंकर्स दे रखे हैं, यहाँ पे आपको एक सिंगल पीस सीट मिलती है, अच्छी खासी कुशनिंग है इस सीट की, उसमें कोई दो राय नहीं है। रियर से ये मोटरसाइकिल मुझे देखने में इतनी ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं लगी। यहाँ पे आपको एक LED टेल लाइट मिल जाती है, बहुत ही बेसिक लुकिंग यहाँ पे आपको ग्रैब रेल मिलती है, LED साइड ब्लिंकर्स मिल जाते हैं, ये एक अच्छी चीज़ है। रियर में भी आपको डिस्क मिल जाती है, साथ ही साथ आपको डुअल पर्पस टायर्स देखने को इधर मिल जाते हैं। फ्रंट और रियर में यहाँ पे आपको 17 इंच का पहिया मिलता है। अगर लुक्स की बात करूँ तो जैसे मैंने कहा, काफ़ी सब्जेक्टिव है, कई लोगों को पसंद आएंगे, कई लोगों को पसंद नहीं आएंगे, तो वो बिल्कुल आप पे डिपेंड करता है। और यहाँ पे कई चीज़ों में आप कॉस्ट कटिंग देख सकते हैं। तो दोस्तों ये तो बात हो गई इसके डिज़ाइन और लुक्स की, अब हम बात करते हैं इसके इंजन और परफॉर्मेंस की। यहाँ पे अगर मैं इसके इंजन परफॉर्मेंस की बात कर लूँ तो काफ़ी ट्रैक्टेबल इंजन है इस मोटरसाइकिल का। देखा जाए तो अगर आप इस मोटरसाइकिल पे सिटी में राइड कर रहे हैं तो काफ़ी रिलायबल है इसका इंजन, आपको अच्छा खासा यहाँ पे लो एंड टॉर्क मिलता है, तो अगर आप इसे चढ़ाइयों पे भी चला रहे हैं तो ये आराम से चढ़ती जाएगी। अच्छा खासा यहाँ पे आपको गारंटी इंजन मिलता है। रिफाइनमेंट्स की अगर मैं बात कर लूँ तो इतनी आपको अच्छी रिफाइनमेंट्स नहीं मिलेंगी। आफ्टर 60 और 65 की MPH यू कैन फील अ लॉट ऑफ वाइब्रेशंस कमिंग फ्रॉम द फुटपैक सीट्स एंड द हैंडल बार्स। मिड रेंज इस मोटरसाइकिल का काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इनिशियल पंच भी अच्छा है, बट यहाँ पे इसका जो टॉप एंड है ना वो आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज फील होगा, बट वहीं ये इंजन परफॉर्मेंस के लिए नहीं बना है, ये इंजन बना है अच्छी माइलेज देने के लिए, क्योंकि ये बाइक केटर कर रही है मिडिल क्लास इंडियन जनता को। इसकी अगर मैं माइलेज की बात कर लूँ तो वो है अराउंड 45 KMPL, जो कि बहुत बेहतरीन है, मतलब ये एक अच्छा माइलेज नंबर है। इस पर आप ट्रिपल डिजिट स्पीड्स भी कर सकते हैं, बट वहाँ पे इंजन वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा हो जाती है और उन ट्रिपल डिजिट स्पीड्स को ना मेंटेन करना भी बहुत मुश्किल है। मैं इसे लगभग 103 और 104 तक लेके गया था, बट मुझे वहाँ पे काफ़ी वाइब्रेशंस फील हो रही थी। मैंने इसे सिटी में चलाया है तो ये सिटी परफॉर्मर बहुत बेहतरीन है। अगर आप इससे हाईवे पे यूज़ कर रहे हैं लॉन्ग राइड्स के लिए तो आपको वहाँ पे थोड़ी बहुत स्ट्रगल फेस करनी पड़ सकती है, ऐसा नहीं है कर नहीं सकती, कर बिल्कुल सकती है, बट ये है कि ये उस यूजेज के लिए बनी नहीं है। बात कर लूँ यहाँ पे अगर मैं इसके गियर बॉक्स की, इधर आपको एक 5-speed का गियर बॉक्स मिलता है, जिसके शिफ्ट जो है वो काफ़ी स्मूथ हैं, काफ़ी स्लिक हैं, ईजिली आप
गियर इसके शिफ्ट कर सकते हैं। फर्स्ट और सेकंड गियर यहाँ पे आपको काफ़ी शॉर्ट मिलेगा, बाकी थर्ड फोर्थ और फिफ्थ गियर यहाँ पे आपको लॉन्ग मिलते हैं। तो अगर आप उन गियर्स पे इस मोटरसाइकिल को चलाएंगे तो आप एक अच्छी माइलेज भी निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ये तो बात हो गई इसके इंजन और परफॉर्मेंस की, अब हम मूव करते हैं इसके राइड और हैंडलिंग पर। बात करते हैं इसके राइडिंग पोस्चर की, बहुत रिलैक्स राइडिंग पोस्चर है। जैसे आप देख सकते हैं मैं अभी बैठा हूँ, बैक स्ट्रेट करके आप चला सकते हैं। कॉम्पैक्ट साइज़ के इसके हैंडल बार्स हैं तो आप इजीली इसे सिटी में मैन्यूवर कर सकते हैं। मोर ओवर अगर आप इससे यूटर्न्स वगैरह भी लेते हैं तो वो भी बहुत एफर्टलेसली ले सकते हैं, ये नहीं कि आपको काफ़ी सोचना पड़ेगा इस मोटरसाइकिल से एक टर्न लेते हुए। तो राइडिंग पोस्चर बहुत सॉर्टेड है, बहुत अच्छा है। बात कर लूँ अगर मैं इसके सस्पेंशन सिस्टम की, तो उसकी ट्यूनिंग ना यहाँ पे यामाहा ने बहुत बेहतरीन करी है। मतलब मैं यहाँ पे चला रहा था तो इधर सड़कें इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो इसके सस्पेंशन ने बहुत अच्छा काम किया। फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक फोक्स मिल जाते हैं, रियर में आपको एक मोनोशॉक मिलता है, तो अच्छा खासा बाउंस है इन सस्पेंशन का। बहुत एफर्टलेसली आप गड्ढे पॉटहोल्स को काउंटर कर लेंगे। यहाँ पे अगर मूव करूँ मैं इसके ब्रेक्स की, तो ब्रेक्स की ट्यूनिंग भी बहुत बेहतरीन हो रखी है। यहाँ पे आपको फ्रंट और रियर में डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं, बट इसमें आपको सिंगल चैनल ABS मिलता है। साथ ही साथ इसके अंदर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम भी मिलता है। इतनी कम CC की मोटरसाइकिल में ट्रैक्शन कंट्रोल मुझे नहीं पता कि कितनी ज़्यादा सेंस बनाता है, बट अच्छा है, एक एडिशनल सेफ्टी फीचर ही है एक तरह से। इफ़ यू आर राइडिंग इट अराउंड कॉर्नर्स तो आपको अच्छी ग्रिप प्रोवाइड करता है। और इसकी ग्रिप में एडिशंस करते हैं इसके ये डुअल पर्पस टायर्स। एक जो इसके टायर की ग्रिप है वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन है, आपको अच्छा खासा ये यहाँ पे ये ऑन और ऑफ रोड ग्रिप प्रोवाइड करते हैं। सिटी यूज़ के लिए बहुत अच्छी है, आराम से आप इस मोटरसाइकिल को सिटी में मैन्यूवर कर सकते हैं। उधर यहाँ पे यामाहा ने बहुत अच्छा काम किया है। तो दोस्तों ये तो बात होगी इसके राइड और हैंडलिंग की, अब हम मूव करते हैं अपने वर्डिक्ट की तरफ। सो कमिंग टू अ वर्डिक्ट, ये मोटरसाइकिल सिंगल ट्रिम के अंदर इंडियन मार्केट में ऑफर करी जाती है और इसका प्राइस है 1.36 लाख एक्स शोरूम दिल्ली। रिसेंटली जहाँ पे कंपनी ने एडिशंस भी की हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का इसके अंदर आपको ऑप्शन मिलता है, तो आप यामाहा की ऐप के थ्रू अपने फ़ोन से इसे कनेक्ट कर सकते हैं फॉर मैसेज कॉल अलर्ट्स। साथ ही साथ यहाँ पे आपको ऑप्शनल गोल्डन कलर के अलॉय व्हील्स भी मिलते हैं। मोर ओवर इधर आपको एक नया इंजन काउल भी मिलता है। ओवरऑल अगर मैं ये बात करूँ कि मुझे ये मोटरसाइकिल कैसे लगी, तो मुझे ये बाइक वैल्यू फॉर मनी लगी। 1,36,000 रुपये प्राइस है इसका। अच्छा, आपको काफ़ी ट्रैक्टेबल 150 cc इंजन मिलता है, जिसकी रिफाइनमेंट्स में थोड़ा बहुत और काम हो सकता है। आपको यहाँ पे कनेक्टिविटी फीचर्स मिल जाते हैं, सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं, ABS मिल जाता है, ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है, डुअल पर्पज़ टायर्स मिलते हैं। तो देखा जाए तो बहुत पर्पसफुल मोटरसाइकिल है इसकी। बस यहाँ पे यामाहा को थोड़ी इसके इंजन को और ट्यून करने की ज़रूरत है, साथ ही साथ इसकी जो ओवरऑल फिट एंड फिनिश है ना, उसे थोड़ा और बेहतर करने की ज़रूरत है। बाकी प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है। आपको ये मोटरसाइकिल कैसे लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें हमारे नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए।